में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। बुलंदशहर में 7 टीम ककोड़ पुलिस की बाइक सवार इनामी से हो गई मुठभेड़। रात में थाना ककोड़ की पुलिस और जनपद पुलिस की स्वाट टीम द्वारा सूचना मिलने पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग द्वारा एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल को रुकवाने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार तेजी से भागने का प्रयास किया। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ 25,000 का इनामी फरमान। इनामी पर करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर का निवासी इनामी घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक, तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस बरामद। क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी चोरी के उपकरण, 3,000 की नकदी बरामद। बुलंदशहर स्वाट टीम व ककोड़ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से ककोड़ में एरो सिटी के पास मुठभेड़ हुई है। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। आज रात में थाना ककोड़ क्षेत्र में बदमाशों से संबंधित एक सूचना मिलने पर थाना ककोड़ की पुलिस और जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें चेकिंग के दौरान एरो सिटी के आसपास जो हमारी चेकिंग टीमें थीं, चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति दिखाई दिया तो उसको चेक करने का इशारा किया गया, तो अपने आप को चेक करवाने की जगह उसने बाइक काफ़ी तेज़ दौड़ा दी और उसके बाद पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया, और इसलिए वहाँ जो चेकिंग टीम थी हमारी पुलिस पार्टी, उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें वो जो व्यक्ति है मोटरसाइकिल सवार वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल पहुँचा दिया गया है और उसकी तस्दीक फरमान नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो जनपद बुलंदशहर से 25,000 का इनामी अपराधी है, एक शातिर चोर है जिसने कई चोरियों को अंजाम दिया है और जनपद बुलंदशहर के ककोड़, सिकंदराबाद और अन्य थानों से भी वो वांटेड था। और जून 2023 में एक घटना हुई थी जिसमें करीब 15 से ज़्यादा ही मोटर चोरी हुए थे, जिसमें मुकदमा लिखा गया था, 2 लोग जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे, मुकदमा लिख के उसमें ये मौके से फरार हो गया था ये व्यक्ति, और आज इस तरह की घटना में ये पकड़ा गया है और इसके कब्जे से वो मोटरसाइकिल है जिसकी तस्दीक की जा रही है, एक तमंचा, कुछ कारतूस, कुछ पैसे और जो चोरी का सामान है वो मिला है। इसका जो आपराधिक इतिहास है वो 2 दर्जन से ज़्यादा ही मुकदमे अभी तक पता चले हैं और आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है और जो लीगल एक्शन है, अग्रिम विधिक कार्यवाही, वो थाना ककोड़ द्वारा की जा रही है।